सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और यार आज मेरे दीदी की तिलक है, मामा की लड़की की, और हम दोनों भाई के पास जूते नहीं है। ये देखो हम चप्पलों में घूम रहे हैं, तो अभी सारा काम फिक्स करवा दिया और अब हम जा रहे हैं अपने लिए जूते लेने। लेट्स गो। इतनी धूप में भाई हम जूते लेने जा रहे हैं। तो भाई सिटी के अंदर पहुंच के मैंने ड्राइविंग दे दी थी अपने भाई को, क्योंकि मुझे बनाना था व्लॉग, तो अब मैं व्लॉग बना रहा था। बट भाई ये बंदा इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था ना, हवा की वजह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो काफ़ी देर चलने के बाद, मतलब नियर टू 45 मिनट चले, उसके बाद फिर हम आ गए थे मॉल में। यहाँ पर हम आए और हम जूतों का सेशन ढूंढ रहे थे। भाई जूते तो मिले मुझे, बट यार वो कैजुअल थे, मतलब इतने बढ़िया नहीं थे। तो फिर हम यार इधर इतनी गर्मी में भी इधर भी नहीं मिला, अभी हम किसी और मार्केट में जाकर के लिए मॉल भी घूम ले, इधर भी नहीं मिला। ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, वो जा बाहर चल के देखते हैं। क्या गाड़ी लेके आ, तरीकी भाभी भाभी। अरे अरे यार, अबे बच्चा किसने बोला था, ले 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 ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। भाई मॉल से निकल के हम आए एक लोकल शॉप पे, बट यहाँ भी इतने कोई खास जूते नहीं थे, पर फिर भी ले लिए हमने। और हम आ गए घर पे, पहले फल पैक करवाया और फिर ये वाली गाड़ी है जो बुलेट हंटर, ये हम देने वाले थे दहेज में। पर यार थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि दहेज नहीं लेना चाहिए आज के टाइम। तिलक चढ़ाने आए थे और ये बंदा यहाँ चोरी कर रहा है मिठाइयों की, देख लो, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार। अब हम यहाँ खड़े होकर इस बात से कंफ्यूज नहीं, ये चोरी कर क्यों रहा है, खाने को मिली फिर भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। देखो देखो घूस दे रहा है इसको किसान तरह। भाई मुझे भी तो दे, देखा एक मेरे को भी दिया घूस। सो यार नाश्ता वास्ता करके हम आ चुके थे तिलक चढ़ाने, पूरे रिचुअल्स के साथ तिलक चढ़ना स्टार्ट हो गई थी। और मेरा बड़ा भाई बैठा होता और ये रहे जीजा जी जिनके साथ शादी हो रही दीदी के हमारे। यार हमारे पास खाने के प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर हम बेरोजगार बंदे आइसक्रीम खाने में लगे हुए सारे के सारे। आपको भी काम है, शर्मा की रहे हो। तिलक खत्म जा रहे, ये भी बैठे हुए, ये गुटका बाज, बीड़ी बाज, और ये किधर एक इधर कुत्ता। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फाइनली हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं, काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहे हैं। मेरी तो हालत ऐसी हो गई कि कपड़े उपड़े निकाल के मैंने इधर चुनी मिल गई, पर ये देखो यार, ये रुक के घर चला ऐसे कैसे, अभी थोड़ी वहाँ जाके विदाई विदाई भी लेनी। और ये बेरोजगार सो रहा है लला। देखो कोई असर नहीं, ऐसे किसे कहते घोड़े बेच के, तो आंखें खुली हैं। कृपया कोई इस ब्लॉग को स्क्रिप्टेड ना बताएं, ये मनगढ़ंत है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? रुक जा तो मैं रुक जा। ये देखो इसको ही देख लो नेवला, देख बंद कर लाइट, लाइट नहीं है ब्लॉग। ये क्या है, ये तो टट्टी है। पहले लाइट बताओ। ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। तो फाइनली अब मैं इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, बोलो भाई लोग। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये मेरा टिड्डी बॉर्डरो है, ये देखो, ये बहुत बीड़ी पिया है और इसने नशा चढ़ गया है, प्रो है। तो ये खत्म हो रहा है, बाय बाय टाटा गुड नाइट, खत्म। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बीड़ी बाज की बातों में ना आए।
बात तो सही है। सो थैंक्स टू ऑल, और आज लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरे 350 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और साथ ही साथ मेरे अकाउंट का जो व्यू रेट है वो 26,000 कंप्लीट हो चुका है। सो अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई ऑल फैमिली।